नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमा बोरा। दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि मेरू प्रष्टासन को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है और इसके क्या क्या बेनिफिट हैं। दोस्तों, जिन लोगों को हाइपरटेंशन और लो ब्लड प्रेशर की समस्या रहती है, उनके लिए यह मेरू प्रष्टासन बहुत ही अधिक उपयोगी होता है। इसे करने से हमारी कमर और हमारे कंधों की जकड़न अकड़न दूर होती है। और इस आसन को अत्यधिक थकान होने पर भी आप किसी भी समय प्रैक्टिस कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि मेरू प्रष्टासन को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। दोस्तों, मेरू प्रष्टासन को करने के लिए सबसे पहले हम सीधे खड़े हो जाएंगे और अपने पैरों में अपने शोल्डर लेवल से थोड़ा ज़्यादा डिफरेंट रख लेते हैं और अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने कंधों के पास ऐसे रख लेते हैं। मेरू प्रष्टासन यानी शरीर के ऊपरी भाग को घुमाना। दोस्तों, इस आसन को करने से हमें फिजिकल और मेंटल तनाव से मुक्ति मिलती है। यह एक स्टैंडिंग योगाभ्यास है। सबसे पहले लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हैं, फिर श्वास छोड़ते हुए आपने ऐसे सेंटर में आना है, समकोण बनाना है और राइट साइड ऐसे अपने शरीर को घुमाना है। सेंटर में आना है, श्वास अंदर भरते हुए सीधे खड़े हो जाते हैं। अब इसी स्थिति को हम दूसरी साइड से प्रैक्टिस करेंगे। लंबी गहरी श्वास अंदर भरते हैं, श्वास छोड़ते हुए ऐसे सेंटर में आते हैं, लेफ्ट साइड जाते हैं, फिर सेंटर में आते हैं, कुछ देर ऐसे ही रहेंगे, फिर सीधे खड़े हो जाएंगे। ऐसे ही इस मेरू प्रष्टासन को आप 8 से 10 बार दोनों साइड से प्रैक्टिस कीजिए। श्वास छोड़ते हुए सेंटर में आए, अपने शरीर के ऊपरी भाग को ऐसे घुमाना है, कुछ देर ऐसे ही मेंटेन करके रखना है, फिर सेंटर में आए, फिर सीधे खड़े हो जाते हैं, फिर सेंटर में आए, फिर लेफ्ट साइड गए, अपने शरीर को समकोण बनाते हुए लेफ्ट साइड जाते हैं, सेंटर में, फिर सीधे खड़े हो जाते हैं। इसे करने से हमारे स्पाइन काफी मजबूत बनती है और कमर दर्द, पीठ दर्द को दूर करने के लिए यह मेरू प्रष्टासन बहुत ही अधिक उपयोगी होता है। इसके बाद दोनों हाथों को कंधों के पार्श्व भागों में ऐसे फैला लेते हैं और प्राइमरी स्टेज में आ जाते हैं। यह हमारी अकड़ी हुई पीठ और कंधों के जकड़न अकड़न को दूर करने के साथ साथ यह हमारे शरीर को लचीला बनाने के लिए यह बहुत ही अच्छा आसन होता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरा यह वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।